हवा के सहारे से चलते हैं, है ना। हाँ, हवा के सहारा से पूछ जाएगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइज, आज सीन ऐसा है कि आज हम आए लंगूर कला में, जहाँ पर सब महादेव का एक शक्तिपीठ है, हम लोग उसी दर्शन करने आए। तो लोग तो आप सब देख सकते हैं कि ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, मेरे पीछे भी देख सकते हैं। लगभग हमारे घर से 100-150 किलोमीटर दूर है और हम आए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसा ट्रैफिक लगा, भक्तों को सब आए दर्शन कर लेंगे कैसा महादेव शक्तिपीठ। यहाँ का कुछ नाम ऐसा है कि लंगूर कला, इसलिए बोला कि यहाँ पर एक नदी भी है और यहाँ पर एक लंगूर बाबा का मंदिर भी है, उसी के दर्शन करने सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो गाइस, मैं तो चलिए अब आपको, आप सबको मैं ऊपर पैर चढ़ के दिखाऊंगा। आप सब देख सकते पीछे, मेरे जो पीछे है ना, उसी पर आके टूपा पर जाके और नीचे गिरना है हमको, नीचे ऊपर चढ़ के फिर से नीचे जाना है, इतना ऊपर चढ़ के। तो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो बनाते हुए और आप सबको मैं इंजॉयमेंट करता रहूँगा पूरा ट्रैवल का ब्लॉग बनाकर। चलिए मिलते हैं आगे। सो गाइज, अभी हम पहाड़ चढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत लोग आ रहे हैं और मेरे आगे भी देख सकते हो कि बहुत ही लोग जा रहे हैं। हमको उस पहाड़ पर जाना है जहाँ पर आप देख रहे हो, उस टुप्पा पर जाकर फिर से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पहाड़ के टुप्पा पर चढ़ के नीचे जाएंगे ना तब वहीं पर मंदिर है। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो व्यू कितना अच्छा रहा है, एकदम औसम वाली। तो गाइज अभी हम जा ही रहे हैं, ये हमारा दोस्त नया यहाँ बना है, सोनारी के कारीगर पुट्टा काम करता है। हाई कर दो, आप सब कोई भी कारी, कोई भी सामान बनाना, तिलहरी या कुछ भी, कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए प्लीज़, आपका 98-24-0-35। अच्छा नंबर छोड़िए, बेकार में आप जो क्यूटनेस दे, कहीं लड़की कॉल ना कर दे आपको फिर। अरे भाई कितने हैंडसम पर्सन देख लो, और ये हमारे भैया देख लो, देखो डमरू लिया है, सिंगर में नंबर 1 टॉप का। अभी गाना नहीं गा रहा है, क्यों पता नहीं, शायद मूड ऑफ हो गया है इसीलिए। हाँ भैया, ये हमारा सबसे हैंडसम भैया देख लो भैया, हाई बोल दो। सो गाइज, मैंने अभी आप सभी को अपने ग्रुप के 2-4 लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया, हालांकि अलग बात है नाम नहीं बताया, तो छोड़िए, चेहरे से पहचान लिए सब बम है। भोले बाबा दर्शन के लिए आए तो नाम जानना क्या जरूरी है, भोले के घर पहचाने सबसे अच्छी बात है। गाइज अभी हम रुके रेस्ट करने के लिए थोड़ा, ये देख सकते हैं नीचे भैया लोग भी बैठे हुए हैं और बाबा भी हमारे संग है। तो अभी आप सब देख सकते हो सारे बम यात्री हो जा रहे हैं ऊपर, अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हम भी जाएंगे, क्योंकि हमारा 2-4 भैया लोग अभी नीचे ही बैठे हुए हैं, चाय पी रहे थे क्योंकि वो थक गए थे बहुत दूर चल के आ रहे थे हम। सो गाइज, पता नहीं हमको कितना समय लगेगा ऊपर जाने तक मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि भैया लोग बोल रहे हैं कि 3-4 बज जाएगा समय, हमको भी फिक्स पता नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तो ठीक है, अब आगे चलते हुए जो जो अब व्यू देखेंगे, जो भी मुझे आजकल अच्छा लगेगा मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और देख सकते हैं वहाँ पर एक काला वेस्ट में मेरा मोटा दोस्त बैठा हुआ है। ए तक, ए प्रिंस डॉक्टर, हाय बोल। देखो देखो सब लोगों ने हाय बोल दिया आप सभी को, आप सब भी दिल से मुझे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप सब भी दर्शन कराएंगे तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो गाइज अभी आज का मौसम ही कुछ अलग ही हो रहा है, आप सब देख सकते हो ऊपर, इधर देखो इधर पूरा क्लियर है और इधर देखो उधर पूरा ही बादल लगा हुआ है, पता नहीं कब तक बारिश होगा यहाँ पर, शायद रात में बारिश हो जाए क्योंकि हमको नॉन स्टॉप रात को चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको रात को नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो आप थोड़ा रेस्ट करते, पहली बार आए हो तो थोड़ा रेस्ट करते हुए ही चलेंगे। तो गाइज अभी हम यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर, भैया लोग आएंगे तो हम यहाँ से निकलेंगे। सो गाइज अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं महादेव के पास दर्शन करने के लिए, और आप सब रास्ता देख सकते हैं कैसा है, पूरा पत्थर से भरा हुआ है, लगता है स्वेलिंग किया है और ढलान करना भूल गया है ऐसा ही। गाइज अभी चल रहे हैं, आप सब देख सकते हो कई लोग शॉर्टकट अपना के दूसरे रास्ता से आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो अभी हम जा रहे हैं जो उचित रास्ता है उस रास्ते में है, खींच दे वो। तो भैया बोल रहे हैं फोटो खींचने के लिए, क्योंकि उसका फोटो अभी तक नहीं खींचा, मोबाइल उसी का है पर फोटो उसका एक भी नहीं खींचा है इसीलिए। तो अभी इतना ही मैं थक चुका हूँ,
पर पता नहीं ऊपर अभी कितना तरह पड़ गया कितना नहीं, और रास्ता भी वैसा ही है तो थोड़ा सा अच्छा होता यार बम के लिए थोड़ा सुविधा कर देना चाहिए था ना। चलिए चलते हैं आगे तक, आगे बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ऊपर रास्ता अच्छा होगा, पर चढ़ाई बहुत ही ऊपर है कि आपके लिए लिफ्ट लगेगा। चलिए चलते हैं, और मेरा दोस्त बोल रहा है चिंता मत करो मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तब यहाँ पर लिफ्ट लगा दूंगा पूरा अंडरग्राउंड करके ना, अंडरग्राउंड करके ना, देखो चेहरा चिन्ह लिया मेरे दोस्त का, यही है यही दिल ये था पता है इसको पहचान लो बहुत कम लगेगा इंडिया में, मेजरगंज का डॉन है। हो गया बस देखा तो लुक दिखा देता ना, लुक दिखा तो मारेंगे साले को, अरे ऊपर हॉई लगाया वाला यार। चलिए चलते हैं अब तो बनाती है मैं आगे वीडियो जाकर थोड़ा बहुत, और मैं आप सभी को अपने बाबा से मिला देता हूँ जो कि देखिए बाबा हेलो कर दूँ, हेलो 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 हाँ देखो बाबा यहाँ पर 3 साल से आ रहे हैं ऐसे ही पैदल, इतना बुजुर्ग होकर भी तो बहुत सालों से आ रहे हैं बाबा, तो हम भी आज पहली बार आए हुए हैं। चलिए आगे तक वीडियो बना के देखते हैं कैसा है, रास्ता भी देखते हैं हमको पता नहीं कैसा होगा, चलिए चलते हैं आगे बाबा के सहारा से चलते हैं है ना। हाँ बाबा के सहारा से पूछ जाएंगे। तो गाइस 2 घंटा के चलाने के बाद ही अभी तक हम नहीं पहुंचे डेस्टिनेशन पर, बल्कि एक घटना घट गया हमारे साथ कि यहाँ पर बारिश हो गया, आप रास्ता देख सकते हो कैसा हो गया है, देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ ऊपर से जो माटी है वो चिपल पिछलता है ये पानी पड़ने के कारण से, तो बहुत से बम लोगों का तकलीफ होते है जाने के लिए, और देख सकते हैं इतने श्रद्धालु है कितना पानी पड़ने के बाद इतने तकलीफ होने के बाद भी कोई भी नहीं रुक रहा है अपनी तरफ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ लग रहा है। तो आप देख सकते हो पानी यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते सब एक दूसरे की मदद करते हुए गिरते पड़ते पर दिल में आस्था रखते हुए सब जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। अब 2-3 घंटे लगेगा टाइम पता नहीं कितना लगेगा, तब हम भी निकलने वाले हैं यहाँ पर। छतर पर भाई जी वाह है कितना दूर होगा ये हिमाच तरह लगभग 1 घंटा तक लग जाता है, तो देख सकते हैं सब थक चुके हैं। और एक मुझसे एक डेस्टिनेशन पूछा कि छाता पार कहाँ पर जाना है, छाता पार पुगने पर ही हम वहाँ से नीचे जाएंगे तब हमको मिलेंगे महादेव। तो गाइस देखिए बहुत से लोग ले रहे हैं, तो बहुत से लोग देख रहे हैं कितने लोग जल चढ़ा के आ गए, और बहुत से लोग आज जा रहे हैं क्योंकि कल सोमवार ही है ना, इसलिए तो आज रविवार था तो बाहर के लोग आए थे तो सब जल चढ़ा कर आ रहे हैं फिरता, और हम भी जल्दी पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ का महादेव कैसा है करके। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं सबसे टॉप पर छतरी पहाड़ के, जहाँ पर हम सब नाश्ता करने के लिए रुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही लोग रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए। चलो दिखाते हैं, उसे अभी पानी पड़ गया सारा रास्ता बर्बाद हो गया है, तो बहुत दिक्कत हो गया पता नहीं कौन कौन गिरेगा कौन कौन नहीं, हम तो निकल गए। चलिए उनके पास ले जा रहा हूँ, और यहाँ पर अंधेरा इतना है कि मुझको वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत। चलिए दिखाता आप सभी पीछे पीछे, तो मेरा ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है देख लीजिए। बोल बाबू कौन पार पाते कौन पार पाते छतरी पार छतरी पार हे बाबा के दा ओम भैया तो गाइस फाइनली आज हम अभी लंगूर तलाया पहुंच गए हैं, जो कि मंदिर यहाँ पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ लगे हुए हैं मतलब भक्तों को दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हो पूरे भक्तों को रोक दिया कथा अभी छोड़ दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ वहाँ पर जाने पर। तो फाइनली
मन के जो इच्छा था वो यहाँ पर आने में पूरा हो गया और आप सभी को थोड़ा हमें डायरेक्शन भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी हम चल देंगे, यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो अभी नीचे नहीं जा सकते क्योंकि आप सब देख ही सकते नीचे की ज़्यादा भीड़ हुआ है, तो नीचे जाने लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और मोबाइल लेकर जाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि हराने का भी डर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अभी ब्लॉग इन नहीं हुआ वही बाकी है, थोड़ी देर अभी आगे चलेंगे और थोड़ी अभी आप सबको इंटरटेन भी कराएंगे। चलिए आप देख सकते हैं आप मेरे सभी ग्रुप ने दर्शन करके आ चुके, एक हाय बोला है। सभी लोग यहाँ पर देखो थक सक सो रही है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पहले से भी डेवलपमेंट कर दिया है क्योंकि पहले ये सब नहीं था इतना, और इतना ज़्यादा भक्तजनों भी नहीं आते थे, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं कमला नदी में और यहाँ पर हम करेंगे स्नान मतलब बाथिंग। तो देख सकते हैं मेरे भैया लोग ने खोल लिया है, एक उधर है खोल के बैठा हुआ है और आप सब देख सकते हो चारों तरफ सब लोग नहा रहे हैं। तो अब हम भी जाएंगे तो इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोबारा मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।